हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं और सारी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। एक है, दिल्ली के अंदर नई वैकेंसीज आने वाली हैं, इसकी मुझे खबर मिली है। इसके बाद हरियाणा में जो 9000 वैकेंसीज हैं उसके लिए आज मीटिंग होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद कुछ नकल के मामले सामने आए हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर जल्द ही 8000 न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके बारे में कल मुझे अपडेट मिली है, 8000 न्यू वैकेंसीज। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, ये वैकेंसीज क्लियर होने के बाद वो वैकेंसीज आएंगी, हो सकता है पहले भी आ जाए। जैसा कि आपको पता है कि काफी टाइम से बात चल रही थी और मैंने आपको बताया था कि जब तक मुझे ऑथेंटिक सोर्सेज से पता नहीं चलेगा मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अभी कुछ जेन्युइन सोर्स से मुझे पता चला है तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 8000 TGT, PGT, PRT, NTT, स्पेशल सभी की वैकेंसीज बताई जा रही हैं। और जो साथी पिछली बार रह गए हैं, उनका नंबर नहीं आया, तो अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि एक महीने की तैयारी में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि डिफिकल्टी लेवल पहले की तुलना हार्ड रहने वाला है, जैसे कि आप हर वैकेंसीज में देखते आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा का ग्रुप डी एग्जाम हुआ था। ग्रुप डी एक छोटे लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन फिर भी उसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था। तो साथियों, आप अच्छे से मेहनत करें जिससे आपके चांसेस बन जाए। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के अंदर 9000 टीचिंग पोस्ट को लेके। आज मतलब 24 जनवरी 2019 दोपहर 12 बजे नेहरू पार्क जींद में जो युवा साथी हैं, एसटेट पास साथी हैं, वो आज इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके बाद वो मीटिंग करेंगे वहां पर और सरकार से क्वेश्चन करेंगे। जो मिनिस्टर्स हैं या जो मतलब ऑफिसर्स हैं उनसे मीटिंग करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि सर, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया कि वैकेंसीज आने वाली हैं, फिर किस चीज का डिले इनमें हो रहा है। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो जरूर इन साथियों का सहयोग करें। अब आपके पास ये क्वेश्चन भी नहीं है कि पहले नहीं बताया, मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूं और आज भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आसपास से हैं तो आप उन लोगों का सहयोग जरूर करें। इसके बाद साथियों, एक खबर और आ रही है, कल मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई। डीएलएड के एग्जाम चले हुए हैं, रीअपियर वाले, तो उनमें कुछ ऐसी चीजें मुझे देखने को मिली, 37 नकल के मामले सामने आए, 37 नकल के मामले सामने आए। उसमें आप समझ सकते हैं 37 जो नकल के मामले सामने आए, तो उनसे मतलब इतना दुख हुआ देख के कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप नकल करके अभी पास भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन एग्जाम को भी नकल करके पास कर रहे हैं, JBT, BEd वगैरह, तो आगे आप नहीं कर सकते कुछ। आप अच्छे से बुक्स को अभी पढ़ लें जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो साथी अच्छे से बुक्स को पढ़ लेते हैं आगे उनको प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे से अपनी जॉब पा सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, टीचर का मतलब होता है कि फेयरली काम करें और आप ईमानदारी से काम करें, नकल ना करें, क्योंकि आज के समय में टीचर बनना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल इस वजह से क्योंकि हम अपने बेस को नहीं देखते और जो डिफिकल्टी लेवल है वो पहले की तुलना थोड़ा टफ हो रहा है। तो आप अच्छे से मेहनत करें। तो साथियों, यही न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। अगर न्यूज़ अच्छी लगे तो आप अपने व्यूज जरूर दें, और जो नकल की बात मैंने कही इसके बारे में भी आप व्यूज दें कि क्या ये साथी सही हैं, गलत हैं, इनके लिए क्या आपकी सलाह है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।